अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। 10 मरला हाउस फॉर सेल ऑन कैश। लोकेशन के लिए आप दोस्त कॉल कर सकते हैं। डिमांड 4,35,00,000। खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन। ग्राउंड फ्लोर का आप दोस्तों को विजिट करवाएंगे। बुलेवार्ड पे ये हाउस है, इस साइड पे आप देख सकते हैं 120 फीट का ये बुलेवार्ड हाउस है। और इस साइड पे खूबसूरत प्राइम लोकेशन, नियर टू मस्जिद, नियर टू कमर्शियल। सामने भी आप देख सकते हैं जहाँ पे आपको कमर्शियल नज़र आ रहा है, बुलेवार्ड हाउस है। तो व्यूअर्स, इस साइड पे फ्रंट एलिवेशन खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन दिया गया है। फ्रंट एलिवेशन में टाइल वर्क किया गया है, वेदर शीट यूज़ की गई है, टेम्पर्ड ग्लास यूज़ किया गया है, सीलिंग स्पॉट लाइट यूज़ की गई है। इस साइड पे इसका कार रैंप पे आसानी से यहाँ पे आप 3 गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं, घर में कोई पार्टी शार्टी हो। इस साइड पे इसका लश ग्रीन गार्डन एरिया सामने आप देख सकते हैं, बड़ा सारा दरख्त भी है। तो व्यूअर्स, ये वॉल, बाहर वाली वॉल देख सकते हैं, वॉल पे खूबसूरत स्टोन यूज़ की गई है, वेदर शीट यूज़ की गई है। इस साइड पे सामने फ्रंट एलिवेशन में आप देख सकते हैं बड़ी सारी विंडो, टेम्पर्ड ग्लास, खूबसूरत वेदर शीट वर्क किया गया। अगेन फ्रंट एलिवेशन, मेन खूबसूरत स्लाइडिंग गेट, इस साइड तक छोटा सा ताका भी है। तो व्यूअर्स, इंटर हो जाते हैं। यहाँ पे कार पोर्च में भी आप 3 गाड़ियाँ आसानी से खड़ी कर सकते हैं। मेन गेट अगेन आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत स्लाइडिंग सॉलिड गेट दिया गया है। इस साइड पे भी आप एक छोटी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्टोन वर्क देख सकते हैं, फ्रंट एलिवेशन खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन में स्टोन वर्क किया गया है, वेदर शीट यूज़ की गई है, खूबसूरत सीलिंग। तो इसका इस साइड पे इसकी देख सकते हैं, बहरिया के लाज के मुताबिक यहाँ पे गैलरी है। बैक साइड पे सर्वेंट रूम भी दिया गया है, स्टेयर ऊपर दी गई है, सीलिंग स्पॉट लाइट यूज़ की गई है, खूबसूरत 2 हाइटेड डोर दिए गए हैं, मेन डोर और ड्राइंग रूम का। इस साइड पे वॉल पे देख सकते हैं खूबसूरत टाइल वर्क किया गया, आर्टिफिशियल ग्रास यूज़ की गई है। यहाँ पे एक विंडो दी गई है, मेन डोर, खूबसूरत डोर डिज़ाइन दिया गया। यहाँ से हम इंटर होते हैं जी। जो ही हम इंटर होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस साइड पे पाउडर रूम, स्टेयर ऊपर जा रही हैं फर्स्ट फ्लोर पे। पाउडर रूम की स्पेस अच्छी दी गई है, सीलिंग स्पॉट लाइट यूज़ की गई है, बैक लाइट यूज़ की गई है। तो यहाँ पे इसका एक डोर दिया गया है। तो व्यूअर्स, इसे अगर आप डबल यूनिट के लिए यूज़ करें तो डबल यूनिट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सामने इसका टीवी लाउंज, इस साइड पे ड्राइंग रूम, 2 बेडरूम, किचन। इसके टोटल बेडरूम 5 बेडरूम है, खूबसूरत ड्राइंग रूम का डोर, तो इससे जिसमें ग्लास वर्क किया गया, सॉलिड वुड यूज़ की गई है। इंटर हो जाते हैं जी। सामने मैसिव साइज में विंडो दी गई है, डबल विंडो इंस्टॉल की गई है। सामने खूबसूरत निश वॉल पे दी गई है, वॉल पेपर लगाया गया है, सीलिंग स्पॉट लाइट यूज़ की गई है, बैक लाइट यूज़ की गई है। इस साइड पे टीवी लाउंज का डोर जो यहाँ से इसे कनेक्ट कर रहा है। इस साइड पे ये वाला डोर सामने बाहर, यहाँ से आप इंटर होते हैं कार पोर्च से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खूबसूरत वर्क किया गया है, वर्क बहुत ही सॉलिड वर्क किया गया है। यहाँ पे फ्लोर पे खूबसूरत टाइल वर्क, काफ़ी अच्छी टाइल यूज़ की गई है। साथ इसका टीवी लॉन्च में आप देख सकते हैं खूबसूरत वॉलपेपर लगाया गया, बड़ी बड़ी यहाँ पे 3 निश दी गई हैं। इस साइड पे से खूबसूरत मीडिया वॉल में आप देख सकते हैं खूबसूरत शीट यूज़ की गई है। नीचे कंसोल बॉक्स दिया गया है, ऊपर रैक दिए गए हैं, सेंटर में वॉलपेपर लगाया गया, काफ़ी अच्छी स्पेस दी गई है। सीलिंग स्पॉट लाइट यूज़ की गई है, बैक लाइट यूज़ की गई है, सीलिंग डिज़ाइन देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत इसका सीलिंग डिज़ाइन दिया गया। तो यहाँ से आप इसका सारा एरिया देख सकते हैं। इसके साथ ही इस साइड पे इसका किचन, तो यहाँ से इस मेन डोर से हम इंटर हुए हैं। मेन डोर में ग्लास वर्क किया गया है, सॉलिड यहाँ पे इसमें वुड यूज़ की गई है। इस साइड पे इसका खूबसूरत सामने किचन वर्क बहुत ही खूबसूरत किया गया। इंटर होते हैं जी किचन में। सामने खूबसूरत सिंक दिया गया है, बड़ी सारी ऊपर विंडो दी गई है, और यहाँ से आप ये डोर देख सकते हैं बाहर, यहाँ से गैलरी की तरफ दिया गया है, सॉलिड डोर दिया गया है, खूबसूरत कैबिनेट्स,
कैबिनेट्स में एलिगेंस हाई ग्लास शीट यूज़ की गई है, ऊपर वाली कैबिनेट्स और नीचे वाली कैबिनेट्स में। यहाँ पे अगर मैं खड़ा होकर आपको दिखा सकूँ तो कलर चेंज किया गया है, शेल्फ पे खूबसूरत ग्रेनाइट टाइल वर्क किया गया, खूबसूरत लग रहा है, चूल्हा बड़ा सोना दिता गया है, खूबसूरत किचन हुड दिया गया, ऊपर वाली कैबिनेट्स में मर्करी ग्लास यूज़ किया गया जिसमें वो लाइट यूज़ की गई है। इस साइड पे सिंक की स्पेस देख सकते हैं काफ़ी अच्छी दी गई है। तो व्यूअर्स, फ्लोर पे खूबसूरत टाइल वर्क कैबिनेट्स ऊपर नीचे वाली कलर चेंज किया गया, जो ही हम इंटर होते हैं तो इतने तो देख सकते हैं ना बल्ब भी लमकाए गए ने, नीचे वाला एरिया खूबसूरत डिज़ाइन यहाँ पर दिया गया है। तो व्यूअर्स, ग्राउंड का आप दोस्तों को विज़िट करवा रहे हैं तो सामने इंटर हो जाते हैं बेडरूम में। जो ही हम बेडरूम में एंटर होते हैं, इस साइड पर मैसिव साइज में इसकी विंडो दी गई है, एलुमिनियम यूज़ किया गया, डबल यहाँ पे रॉड इंस्टॉल किया गया, तो सीलिंग डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत दिया गया। यहाँ से इसका सीलिंग डिज़ाइन मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा सीलिंग डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन बेडरूम में दिया गया। इस साइड पर तीन निश दी गई हैं जिसमें छोटी छोटी बल्बियाँ भी यहाँ पर इंस्टॉल की गई हैं, सामने खूबसूरत हाइटेड डोर दिया गया, सीलिंग में सीलिंग स्पॉट लाइट यूज़ की गई है, बैक लाइट यूज़ की गई है। इस साइड पे इसकी वार्डरोब, फ्लोर से लेकर सीलिंग तक वार्डरोब दी गई हैं। यहाँ पे सामने इस साइड पे आप देख सकते हैं ग्लास वगैरह भी यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, एलिगेंस मैट शीट यूज़ की गई है वार्डरोब में। तो इंटर हो जाते हैं इस साइड पर इसका वाशरूम, वाशरूम की स्पेस काफ़ी दी गई है, सामने इसका शावर एरिया, यहाँ पर एक विंडो दी गई है, कमोड, सिंपल सा वेंटी सेटअप, काफ़ी अच्छा वर्क यहाँ पे भी किया गया। इस साइड पे इसकी एग्जास्ट फैन विंडो दी गई है, तो यहाँ पे इसका एक डोर, काफ़ी खूबसूरत वर्क किया गया है, मूव होते हैं साथ इसके। इस साइड पे इसका सेकंड बेडरूम है मीडिया वॉल के साथ, तो सेकंड बेडरूम में इंटर हो जाते हैं। यहाँ पे खूबसूरत हाइटेड डोर दिया गया, साइज पे मैसिव साइज में विंडो दी गई है, साथ वार्डरोब बिल्कुल प्लेन की गई है, सामने इसका वॉशरूम का एरिया। सीलिंग डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पे भी सीलिंग डिज़ाइन बिल्कुल चेंज किया गया, खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन दिया गया देख सकते हैं। और सामने इंटर हो जाते हैं इसके वॉशरूम में। जो ही वॉशरूम इंटर होते हैं, टाइल डिफरेंट कलर में, सामने ऊपर इसका शावर एरिया, नीचे कमोड, सीलिंग तीन लैंप यहाँ पे हैंग किए गए हैं, साइड पे विंडो दी गई है, खूबसूरत इसकी वेंटी सेटअप। व्यूअर्स, कोई ऐसी बात जो रह गई हो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, मुनासिब डिमांड है, बुलेवार्ड पे है, नियर टू कमर्शियल है, नियर टू मस्जिद है, कमर्शियल एरिया भी नज़दीक है। ऊपर यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे जितने भी डोर यूज़ किए गए हैं, वाटरप्रूफ डोर यूज़ किए गए हैं, तकरीबन 6 माह पहले ये कंस्ट्रक्शन हुई थी, तो यहाँ पे आपने ग्राउंड पे भी देखा सेम इसी तरह फर्स्ट पे भी है। कहाँ पे किसी भी जगह पे कोई क्रैक नहीं है, कोई स्लिपेज नहीं है। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।